हेलो फ्रेंड्स दिस सी अर्पित फ्राम आर पी एस सी अड्डा उदयपुर और हम आज बात करने वाले हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के बारे में और कई सारे पॉइंट कई सारे टॉपिक हम लास्ट क्लास हमारी जो जीएसटी क्लास थी उसके अंदर हम देख चुके हैं और क्लास शुरू करने से पहले अगर आपको बताना चाहूँ कि सर अभी तक अभी तक हमारी एप्लीकेशन पर कई सारे डाउनलोड हो चुके हैं कई सारी पर्ची हो चुकी है अबाउट द असिस्टेंट प्रोफेसर कोर्स और अगर, अगर आप इसी तरह से कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर का जो कोर्स है वो परचेज़ करना चाहते हैं तो उसका जो डिस्क्रिप्शन का जो लिंक है वो आपको मिल जाएगा हमारी एप्लीकेशन के जिस ही आप जिस पर आप वीडियो देख रहे हैं आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाएंगे तो वहाँ पर लिंक मिल जाएगा उस लिंक को जैसे ही आप ओपन करोगे आप आर पी एस डाक की एप्लीकेशन पर पहुँच जाएंगे उस एप्लीकेशन पर जाकर के आपको असिस्टेंट प्रोफेसर सर्च करना है या अगर आप लिंक को क्लिक करते हैं तो डायरेक्टली आप वहाँ पर पहुँच जाएंगे और वहाँ से आप सीधे सीधे वहाँ से आप सीधे सीधे जो है ये कोर्स परचेज कर सकते हैं जो कि बहुत कम रेट पर अवेलेबल है और अगर आपकी असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी स्टार्ट करनी है तो ये बहुत ज़्यादा नेसेसरी कि आप इस तरह का कोई ना कोई कोर्स जरूर बाय कर लें इस कोर्स के अंदर क्या खास बात होगी तो हम सारे सब्जेक्ट्स पढ़ाएंगे बहुत डिटेल के अंदर आप तीनों में से ई एफ एम बिजनेस आईडी आई बी एस टी आप जिस भी स्ट्रीम को लेना चाहे वो तीनों ही कोर्सेज हमारे पास अभी अवेलेबल है आप परचेज़ कर सकते हैं तीनों जो कोर्स है वो पूरी तरह से कंप्लीट किए जाएंगे बाय द प्रोफेशनल टीम हमारी जो पूरी प्रोफेशनल टीम है वो उसमें पूरी तरह से लगी हुई है बहुत सारे हज़ारों हज़ार एम आपको उसके अंदर मिल जाएंगे सारे कॉन्सेप्ट को हम कवर करेंगे सारे कंटेंट को हम डिलीवर करेंगे और ऐसा होगा कि आपको जो आपकी जो प्रोफेसर बनने की जर्नी है उसको हम थोड़ा सा ज़्यादा आसान कर पाएंगे बिल्कुल पढ़ना तो आपको ही पड़ेगा लेकिन हाँ आपको जब ये एक्सपर्ट एडवाइस भी उसके साथ मिल जाएगी एक्सपर्ट कॉन्टेंट भी मिल जाएगा तो थोड़ी सी जो आपकी जर्नी है वो आसान हो जाएगी चलिए तो ये बात थी कुछ कोर्स परचेज करने के बारे में आज हम शुरू करते हैं हमारे कुछ क्वेश्चंस और लास्ट क्लास जो हमारे अगल जो हमारा पिछला जीएसटी का लेक्चर था उसमें हमने कई सारी बातें करी थी कई सारे कॉन्सेप्ट्स को हमने वहाँ पर समझा था हम बात कर चुके थे कि टैक्सेशन हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट टैक्सेशन क्या है उस टैक्सेशन के अंदर हमें क्या क्या चीज़ें पढ़नी पड़ती है हमारे सिलेबस के अंदर जीएसटी के अंदर क्या क्या चीज़ें कवर है जैसे हम बात करें तो हम कई सारे टॉपिक को यहाँ पर डिस्कस करेंगे मेनली हमारे यहाँ पर जो कवर है वो कवर है सी जी एस टी और एस जी एस टी के प्रोविज़न मतलब कि सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स और स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स के प्रोविजन यहाँ पर कवर है उसके साथ में अगर मैं बात करूँ कि हमें और कौन कौन सी चीज़ें पढ़नी होगी तो टाइम टाइम वैल्यू ऑफ सप्लाई टाइम एंड वैल्यू ऑफ सप्लाई इनपुट टैक्स क्रेडिट ट्रांजेक्शन प्रोविजन ये कुछ कई सारे टॉपिक हमें जी एस टी के अंदर कवर करने होंगे ओके okay. अब सेकंड बात करते हैं कि सर आपका जो एग्ज़ाम होने वाला है जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्ज़ाम होने वाला है वो होने वाला है एम सी क्यू बेस्ड क्वेश्चन ठीक है ना तो हमारे पास कॉन्टेंट लिखने के लिए मिले हमारे पास थियोरटिकल पेपर नहीं आएगा सब्जेक्टिव पेपर नहीं आएगा हमारा जो पेपर होगा वो ऑब्जेक्टिव होगा एम तो हमने हमारी जो जर्नी स्टार्ट करी वो भी कुछ उसी तरह से जर्नी स्टार्ट करी कि हम आ, बहुत सारे एम सी क्यू क्वेश्चन को सॉल्व करें कुछ क्वेश्चन को हम यहाँ पर क्लास के अंदर सॉल्व करें उस तो रिमेनिंग क्वेश्चन और क्वेश्चन रह जाएंगे उसके पी डी शेयर कर लेंगे जो आप अपने घर पर कर सकते हैं या अगर चाहिए तो आपको

जो समय शुरू होता है वो होता है अब इस क्वेश्चन का सही आंसर है थ्री फोर्थ वेटेज वो, वोट से ठीक है ना हमने लास्ट क्लास के अंदर बात करी थी कि जो जीएसटी काउंसिल के बारे में जीएसटी काउंसिल का जो चेयरमैन होता है इट्स अ फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ इंडिया मतलब निर्मला जी निर्मला सीतारमण जी इस कमेटी को हेड करती है और इस सारे जो डिसीजन है सारी जो वर्किंग है जो सारे काम करने हैं वो कौन लेता है वो यहाँ पर मेजोरिटी ऑफ वोट से लिए जाते हैं क्वेश्चन चलिए अगला क्वेश्चन

सही आंसर है वन थर्ड ऑफ बोर्ड्स ऑप्शन सी इज करेक्ट द आंसर इज़ वन थर्ड ऑफ बोर्ड्स चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं द कॉरम रिक्वायर्ड फॉर द मीटिंग ऑफ जीएसटी काउंसिल एक क्वेश्चन आप मान के चलिएगा कि आप एग्जाम के अंदर जो अप्रैल के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो एग्जाम है उसके अंदर आपको एक क्वेश्चन जरूर से एक से ज़्यादा हो सकता है लेकिन मिनिमम एक क्वेश्चन आपको जीएसटी काउंसिल का जरूर देखने को मिलेगा क्योंकि तो ये सबसे पावरफुल बॉडी है जो लगभग सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस को बनाती है जैसे हम भी एज ए चार्ट अकाउंटेंट जब हम बात करते हैं तो हमें जो समझना होता है हमें समझना काउंसिल्स जीएसटी काउंसिल्स कौन से काम कर रही है और जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में क्या फ़ाइनलाइज हुआ और जो भी जीएसटी काउंसिल की मीटिंग के बाद में फाइनलाइज हो जाता है जो भी वहाँ से प्रेजेंट हो जाता है वो जनरली हमारे लिए एप्लीकेबल हो जाता है भले उसके रिकमेंडेशन एडवाइजरी है लेकिन फिर भी उन्होंने जो कह दिया वो हमारे लिए क्या हो जाता है फाइनल हो जाता है चलिए दॉरम रिक्वायर्ड फॉर मीटिंग ऑफ जी काउंसिल कितना है हाफ टू थर्ड थ्री फोर्थ आपका समय शुरू होता है अब सही आंसर है हाफ ऑफ द मेंबर्स जब आधे मेंबर्स वहां पर हैं तो इसका मतलब वहां पर कोरम प्रेजेंट है और इसका मतलब जीएसटी की काउंसिल की मीटिंग को अब आगे बढ़ाया जा सकता है चलिए अगला क्वेश्चन जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर जीएसटी जीएसटी के अंदर हमने कौन कौन से हाई गौरव चलिए फटाफट पट से अगले क्वेश्चन के ऊपर आइएगा विच ऑफ द फॉलोइंग अंडर जीएसटी सी एस टी सेंट्रल एक्साइज वेट और डी ऑल ऑफ द हो वैसे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आसान है आप आंसर कर पाएंगे यस yes, बिल्कुल सही आंसर है डी और द वो इसमें बहुत सारे टैक्सेस थे ध्यान रखिएगा सिर्फ इसमें जो है आ, कुछ टैक्सेस को इंक्लूड नहीं किया गया था बाकी सबको इंक्लूड कर दिया है जो स्टेट लेवल के जो टैक्सेज स्टेट एक्साइज ड्यूटी जो एल्कोहल वगैरह पर लगती है उनको गुड्स को इंक्लूड नहीं किया बाकी टैक्सेस सारे समन कर दिए गए थे पाँच गुड्स को छोड़ दे उसके अलावा सारे गुड्स को जी एस टी के अंदर कवर कर दिया गया था ठीक है हमने लास्ट क्लास के अंदर इसके बारे में डिटेल में बात करी थी चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कॉन्टेंट Contains matters in respect of which has been exclusive right to make laws. Parliament, state, both state and central, or central government. Answer ga. What will be your answer? about bata. मान जी चल चुके हैं जल्दी से आंसर दीजिएगा आंसर इज पार्लियामेंट लिस्ट वन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंटेंट मैटर्स इन रिस्पेक्ट ऑफर एक्सक्लूसिव राइट टू मेक इज विद द पार्लियामेंट पार्लियामेंट के पास का एक्सक्लूसिव राइट right होता है ठीक है GST is levied on supply of all goods and services except बहुत अच्छा क्वेश्चन है GST हर गुड्स पे लगता है लेकिन किस पर नहीं लगता पहला अल्कोहलिक लीकर टॉबेको हेल्थ केयर सर्विस और डी ऑल ऑफ द अबो फटाफट से क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा गड़ीमांझी शुरू हो जाइए बिल्कुल बिल्कुल चैलेंज, जी बिल्कुल सही आंसर आपका द आंसर इज ए एल्कोहलिक लिकर फॉर ह्यूमन कंजम्पशन इसके ऊपर आज भी इसके ऊपर आज भी जो है हमारा जीएसटी लेवी नहीं होता है ठीक है जीएसटी चार्ज नहीं होता है अगला क्वेश्चन देखते हैं ऑन पेट्रोलियम क्रूड एच एच डी मोटर स्प्रिट नेचुरल गैस एंड एविएशन टर्बाइन फ्यूल GST इज नॉट levied एट ऑल जीएसटी विल be लेविड फ्रॉम अ डेट टू बी नोटिफाइड ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ जी एस टी काउंसिल जीएसटी इज लेविड बट एक्जमटेड इस तरह के क्वेश्चन अगर क्वेश्चन थोड़ा सा हायर लेवल का आता है थोड़ा सा हायर लेवल का आएगा तो आपको इस तरह का क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि वहां पर GST नहीं लगेगा लग जाएगा फ्यूचर डेट से या लग चुका है लेकिन एग्जम्ड है और न दबो घड़ी मांझी शुरू हो जाइए रिमान जी शांत हो चुके हैं और आंसर है बिल्कुल अब ये ध्यान समझना है बहुत अच्छा पॉइंट है यहाँ पर कई बार हमें कन्फ्यूजन हो जाता है कि चलो ठीक है अल्कोहलिक लिकर वगैरह पर नहीं लग रहा है पेट्रोलियम पर नहीं लग रहा है उसका मतलब लगेगा ही नहीं ऐसा नहीं है वहाँ पर ये लिखा हुआ है कि विल बी लिविड फ्रॉम अ डेट नोटिफाइड बाय द काउंसिल और अभी देखिए 2017 के बाद में जीएसटी आने के बाद में करीबन तीन साल हो चुके हैं लेकिन अभी तक उन्होंने उसकी कोई डेट नोटिफाई नहीं करी है और उसका आप एक ऑब्बियस रीजन समझते हो ठीक है उसका रीज़न भी समझ लेना बिकॉज द मैक्सिमम रेट इन द सी जी एस टी इज ट्वेंटी परसेंट फॉर लेवी ऑफ टैक्स तो सी जी एस टी ट्वेंटी एस जी एस टी ट्वेंटी दोनों मिलाकर फोर्टी परसेंट होता है सो द मैक्सिमम रेट अंदर जीएसटी अगर मैं दोनों को जोड़ू भी तो कितना हो सकता है द मैक्सिमम रेट इज फोर्टी परसेंट उससे ज्यादा टैक्स हो सकता है क्या नहीं अब ये जो पांच गुड्स हैं ये जो पांच हमने बात करी है एच एस डी ठीक है पेट्रोलियम वगैरह के ऊपर दीज आर द मेजर रेवेन्यू इट इज दीज आर शेयरिंग मेजर रेवेन्यू टू द उस उसपे केंद्र सरकार की भी आंखें हैं उस पर राज्य सरकार की भी आंखें हैं और दोनों को मिलकर के उससे खूब सारा टैक्स कलेक्शन करना है तो क्वेश्चन ये आता है कि जब उन्हें खूब सारा कलेक्शन करना है और गलती से अगर उन्होंने जीएसटी में डाल दिया तो वहां तो मैक्सिमम रेट लिखी हुई भाई वो मैक्सिमम रेट से ज्यादा आप ले पाओगे क्या आंसर है नहीं अगर आप उस मैक्सिमम रेट से ज्यादा नहीं ले पाओगे तो सरकार को तो फाइनेंशियल लॉस हो जाएगा तो आज तक ठीक है ना और मुझसे पूछा जाए तो फ्यूचर में भी कोई चांस नहीं है कि उसको जीएसटी के दायरे में डाला जाएगा ठीक है आने वाले समय में तो हमको कोई चांस नहीं लग रहा जब गवर्नमेंट उसके ऊपर नए नए तरह के टैक्सेस और लगाती जा रही है तो उसको इसमें डाला जाएगा ठीक है तो आंसर इज नोटिफाइड बाय द जीएसटी काउंसिल लेकिन अभी तक जीएसटी काउंसिल ने कोई डेट नोटिफाई नहीं करी है अगला क्वेश्चन द फंक्शन ऑफ जीएसटी एन अभी सुनना गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल अलग है जीएसटी नेटवर्क जीएसटी एन जो है वो अलग है द फंक्शन ऑफ जीएसटी एन इंक्लूड्स Facilitating registration of central and state authorities, forwarding the returns, computation and settlement of IGSD and D, all of the above. Oh. Gadimanji ji, shiru ho jaiye. सही आंसर है ऑल ऑफ द अबो बिल्कुल ये सारे ही काम है जीएसटी नेटवर्क अब समझना जीएसटी काउंसिल क्या है और जीएसटी नेटवर्क क्या है जीएसटी काउंसिल इज इज अटेचुरी बॉडी हेडेड ठीक है ना स्टेचुरी बॉडी है जो हेड कर दी है कि सारे जो मैटर्स वगैरह है वो जीएसटी काउंसिल लेकिन नेटवर्क क्या है ठीक है ना जीएसटी नेटवर्क जिस पोर्टल पर जाकर के आप जीएसटी में रजिस्ट्रेशन करवाते हो जहाँ से आप रिटर्न फाइलिंग कराते हो जहाँ से आप बाकी सारे जो छोटे मोटे काम हैं वो सारे करवाते हो वो सारे काम हमारे किससे हो रहे हैं वो सारे काम हमारे जीएसटी नेटवर्क के थ्रू हो रहे हैं मतलब तो कई बार हम कहते हैं ना अगर आपने सुना होगा न्यूज़पेपर सुना होगा कि जीएसटी रिटर्न फाइल करने में दिक्कत हो रही है जीएसटी का नेटवर्क सही से काम नहीं कर रहा है गवर्नमेंट की बॉडी ऑफिशियल वर्क पर काम नहीं कर पा रही है दो दिन के लिए दस दिन के लिए या एक महीने के लिए वापस रिटर्न की डेट को एक्सटेंड किया जा रहा है अगर इस तरह से आपने कोई भी नाम या कोई भी पॉइंट का अगर कहीं भी सुना है तो उसका जिम्मेदार ये अकेला वर्ड है वो है जीएसटी एंड जीएसटी नेटवर्क और जब भी यहाँ पर किसी तरह की दिक्कत आती है तो इसकी वजह एक ही है वो है जीएसटी नेटवर्क और इतने साल होने के बाद भी जीएसटी नेटवर्क ढंग से काम नहीं कर पाया है ठीक है बुरा मत मानिएगा लेकिन हाँ बिल्कुल ये बात सही है ये बहुत अच्छा पॉइंट है इसको आप मार्क कर सकते हो इट इस तरह का एक क्वेश्चन आप एग्जाम में देखोगे कि कौन से कौन से कॉन्स्टिट्यूशन की कौन सी लाइन कौन से एंट्री नंबर से आया है विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्वेश्चन को पढ़िएगा विच आर्टिकल ऑफ़ द कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइंस द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन जी ऑफ़ जीएसटी काउंसिल टू सेवेंटी सिक्स एंड टू ए चलिए आंसर दीजिए ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मार्क कर लीजिएगा और ये जो कॉन्स्टिट्यूशन की एंट्री है इसको भी मार्क कर दीजिएगा टू ए ठीक है ना द आर्टिकल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन आउटलाइन द कॉम्पोजिशन एंड फंक्शन ऑफ जी काउंसिल मैंने आपको जब स्लाइड पढ़ाई थी स्लाइड तो में मैंने दिखाया था कि जीएसटी काउंसिल जो है वो इस आर्टिकल के अंडर में बनी हुई है ठीक है शालिनी जी फोर्टी सिक्स ए नहीं है वो तो जीएसटी एक्ट के लिए ये मैंने क्वेश्चन पूछा है GST Council के लिए। क्वेश्चन को बहुत ध्यान से ठीक है चलिए जीएसटी काउंसिल रेफर्ड इन विच सेक्शन टू सेवनटी नाइन ए ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 276 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन 277 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और 279 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन चलिए सॉल्व कीजिएगा आपका समय शुरू होता है अब जी शुरू हो जाइए यस yes. आंसर वही है दो तरह से घुमा फिरा कर क्वेश्चन आ सकता है दोनों क्वेश्चन को मैंने समझा दिया कि किस तरह से क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ सकता है इसका जो कॉन्सेप्ट है अगर आपने नहीं पढ़ा है तो जो हमारी लास्ट वाली क्लास थी उस वो क्लास आपको यूट्यूब पर अवेलेबल हो जाएगी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कर सकते हैं और वहाँ पर ये आपको पूरा प्रोविज़न मिल जाएगा पूरा कॉन्सेप्ट हो जाएगा तो हमारे जो पढ़ने का तरीका है वो भी कुछ इसी तरह से रहने वाला है असिस्टेंट प्रोफेसर की हमारी जो दो महीने की जर्नी होगी उसमें भी हमारा यही तरीका रहने वाला है हम कॉन्सेप्ट को कवर करेंगे हम क्वेश्चन को कवर करेंगे कॉन्सेप्ट को कैसे सॉल्व करना है अगर कहीं हम फंस जाते हैं तो उनको कैसे सॉल्व करना है इस बारे में भी हम चर्चा करेंगे चलिए, आ जाइए। वेटेज ऑफ वोट ऑफ सेंटर एट जीएसटी काउंसिल बहुत अच्छा पॉइंट है वेटेज ऑफ वोट फॉर सेंटर एट जीएसटी काउंसिल वन फोर्थ वन थर्ड वन हाफ और वन एट आपका समय शुरू होता है अब इट इज वेरी गुड ऑफ टोटल स्ट वोट कास्ट जितने वोट कास्ट किए उसका वन थर्ड हमारे लिए सेंटर है फॉर जीएसटी काउंसिल ठीक है वेटेज ऑफ स्टेट स्टेट का कितना वेट है जीएसटी काउंसिल में टू थर्ड वन थर्ड वन फोर्थ और वन एट्थ बहुत अच्छा क्वेश्चन है पहले हमने सेंट्रल के वोट की बात करी अब हम बात कर रहे हैं स्टेट का जीएसटी काउंसिल में कितना वोटिंग का शेयर है चलिए सॉल्व कीजिएगा क्वेश्चन को ज टू थर्ड ऑफ टोटल वोट कास्ट ठीक है ना ये स्टेट का शेयर है ठीक है इस तरह से किसका central, किसका सेंट्रल बनता है ठीक है ना तो देखना हमने जो जीएसटी अडॉप्ट किया है जीएसटी हमने जो अडॉप्ट किया इज अ क्या बताता है ड्यूअल जीएसटी बताता है एक तरफ तो हमारी है सेंट्रल गवर्नमेंट और एक तरफ है हमारी स्टेट गवर्नमेंट इसलिए हमारे पास जो लॉबी है तो लॉबी टोटल चार है हमारे पास चार चार एक्ट है हमारे पास अकेला ऐसा एक्ट है जहाँ चार अलग चार एक्ट बनाए हुए हमने पहला कौन सा है सी जी एस टी एक्ट दूसरा है एस जी एस टी एक्ट तीसरा है आई जी एस टी एक्ट और चौथा है यूटी जी एस टी एक्ट सेंट्रल गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट स्टेट गुड्स एंड सर्विस टैक्स एक्ट इंटीग्रेटेड गुड्स एंड सर्विस टैक्स एंड यूनियन डायरेक्टरी गुड्स एंड सर्विस एक्स एक्ट ये चार तरह के एक्ट हैं अब हम बात करते हैं सर हमारे सिलेबस में कितने तरह के एक्ट एप्लीकेबल है तो ध्यान रखना सी जी एस टी और एस जी एस टी ये दोनों आपके सिलेबस का पार्ट है वैसे सी में जितना पढ़ लो वो नाइन्टी परसेंट कॉमन हो जाता है कहां पर जो आई में लिखा हुआ है और यूटी जीएसटी में कोई खास बात करी हुई नहीं है तो जो मेजर चीजें हैं वो वैसे ही आपके सिलेबस के अंदर पूरी उन्होंने कवर कर दी है ठीक है हु इज द चेयरपर्सन ऑफ जीएसटी काउंसिल ये क्वेश्चन तो काफी ज्यादा आसान है जीएसटी काउंसिल का चेयरपर्सन कौन होता है फाइनेंस सेक्रेटरी स्टेट फाइनेंस मिनिस्टर यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर या इनमें से कोई नहीं आपका समय शुरू होता है अब गड़ीमान जी शुरू हो जाइए यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर अभी बात करी थी कि निर्मला सीता बिल्कुल शालीन जी आपका आंसर सही है निर्मला सीतारमण सी जी जिसकी क्या होती है इसकी चेयरपर्सन होती है जीएसटी काउंसिल को वही हेड करती है अगला क्वेश्चन जीएसटी काउंसिल कब बनी जी काउंसिल कब बनी फिफ्टीन सेप्टेम्बर थर्टीन सेप्टेम्बर ट्वेल्थ सेप्टेम्बर और ट्वेंटी सेप्टेम्बर आपका समय शुरू होता है अब बिल्कुल शालिनी जी वेरी गुड ट्वेल्थ को जीएसटी काउंसिल को बना दिया गया था बिल्कुल प्रेसिडेंट वॉज ऑप्टेन फॉर सेंट्रल जीएसटी प्रेसिडेंट की एसेंट मतलब प्रेसिडेंट का अप्रूवल प्रेसिडेंट की कंफर्मेशन कब मिली कि जीएसटी सेंट्रल जीएसटी को लाया जा सके एटींथ अप्रैल ट्वेंटी अप्रैल फिफ्थ ऑफ अप्रैल और ट्वेल्थ ऑफ अप्रैल ये फाइनल के बोला अप्रैल में मिली थी तो मिल रही ये भी फाइनल है आपका समय शुरू होता है अब सही आंसर है ट्वेल्थ अप्रैल ट्वेल्थ अप्रैल को जीएसटी काउंसिल ट्वेल्थ अप्रैल को ध्यान रखेगा ट्वेल्थ अप्रैल को जीएसटी काउंसिल ठीक है ट्वेल्थ अप्रैल 2017 को सेंट्रल जीएसटी काउंसिल का एसेंट मिल गया था बाय द प्रेसिडेंट तो इस तरह के हम कई सारे क्वेश्चन को करने वाले हैं क्लास के अंदर ये क्वेश्चंस वहां तक थे जितनी मैंने आपको अभी तक बात करा दी थी अभी तक मैंने जो आपको कॉन्सेप्ट बढ़ाए थे उसके अंदर हम ये वाले सारे कॉन्सेप्ट्स देख चुके थे ठीक है हम सर और क्या करने वाले हैं ठीक है जी चलिए अगला पॉइंट समझिएगा हम सिर्फ जीएसटी के एमसीक्यू नहीं करने वाले मतलब कि हम जो भी पढ़ाई करेंगे ऐसा नहीं होगा कि हम सिर्फ क्या करें हम सिर्फ वहाँ पर उसके क्वेश्चन को देखें हम क्वेश्चन के साथ में और भी बहुत सारी चीज़ें करने वाले हैं जैसे कि उसके कॉन्सेप्ट को डिस्कस करना ठीक है हम ये भी बात करेंगे कि वो कॉन्सेप्ट कैसे आया उस कॉन्सेप्ट को आने का क्या रीज़न है जीएसटी के बारे में और भी बेसिक्स जानकारी भी करेंगे तो आज अभी हम उसी टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं ठीक है मैंने लास्ट जो तो कॉन्सेप्ट जो जितने बेसिक्स आपको पढ़ाए थे उनके मैंने कई सारे एम डिस्कस इसी तरह के बहुत सारे एम भी आपको मिलेंगे जैसे ही जैसे ही आप हमारी जो एप्लीकेशन है पर ये जो कोर्स है असिस्टेंट प्रोफेसर उसको बाय करते हो वैसे ही आपको बहुत सारे एम भी मिल जाएंगे विद डिटेल्ड डिस्कशन ऑफ एवरी कॉन्सेप्ट अप्रैल टू ठीक है ट्वेंटी वन के अंदर जो हमारा असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम्स होने वाला है उसके काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा ये सारी चीज़ें आप करिए तो हम बात करते हैं सर हमने कुछ बातें बेसिक्स जैसे कर ली थी जैसे कि जी कब आया कैसे आया कौन से इनडायरेक्ट एक्सेस को उसमें मर्ज किया गया अभी बेसिकली जीएसटी है क्या बेसिकली जीएसटी का कॉन्सेप्ट क्या है जिसको बेसिक्स ऑफ जीएसटी कहा जाता है या जिसको हम हमारी थोड़े से स्टैंडर्ड लैंग्वेज प्रोफेशनल लैंग्वेज में बोलते हैं हम उसको कॉन्सेप्ट ऑफ जी नाउ व्हाट इज़ द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ जीएसटी अगर मैं जीएसटी कॉन्सेप्ट की बात करूँ तो जीएसटी क्या है जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स वर्ड क्या लिखा हुआ है वर्ड बहुत ध्यान से सुनना जीएसटी कौन सा टैक्स है जीएसटी इज अ टैक्स विच इज चार्ज ऑन द वैल्यू एडिशन अभी वैल्यू एडिशन का मतलब क्या होता है वैल्यू एडिशन का मतलब है कि फॉर एग्जाम्पल आपने कोई गुड्स पांच हजार रुपए में परचेज किया ठीक है बहुत सिंपल से एग्जाम्पल लेते हैं कोई गुड्स जो आपने पांच हजार रुपए में क्या किया है परचेज और ये जो गुड्स आपने पांच हजार रुपए में परचेज किया इस गुड्स को मैं आगे जाकर के छ हजार रुपए में सेल करता हूँ परचेज किया है मैंने पांच हजार रुपए में और सेल किया है मैंने कितने में छ हजार रुपए में तो फाइव थाउजेंड इज माई परचेज प्राइस एंड सिक्स थाउजेंड इज माई प्राइस गवर्नमेंट क्या कहती है जीएसटी कौन सी वैल्यू पर चार्ज करना है तो जीएसटी जो चार्ज करना है इसका जो डिफरेंस है जो आपने वैल्यू ऐड किया है बोला जो आपने वैल्यू ऐड किया है उसके ऊपर हमें जीएसटी चार्ज करना है उसके ऊपर पे जीएसटी लगाना concept, होता है दैट इज आवर बेस कांसेप्ट ये हमारा बेस कॉन्सेप्ट होता है ठीक है किसके ऊपर लगता है तो देखना लगता है ऑन द मैन्युफैक्चर सेल एंड कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड जीएसटी इज चार्ज ऑन द मैन्युफैक्चर सेल्स कंजम्पशन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज एग्जांपल वाइज समझिएगा जब मैं कोई गुड्स परचेस करता हूँ तो मान लो मैंने उसके ऊपर टेन परसेंट टैक्स दिया तो कितने का हो गया सौ रुपए मैंने एक हजार एक सौ रुपये देकर के गुड्स खरीदे अब मैं सेलर हूँ मैं यहाँ से गुड्स को, से को सेल करना चाहता हूँ अब मैंने उसको दो हजार रुपए में क्या किया नाउ अगेन वॉट इज क्या कह रहा है गवर्नमेंट गवर्नमेंट क्या कह रही है कि सर चार्ज ऑन द वैल्यू एडिशन अब समझना मैंने फाइनल प्राइस पर मैंने फाइनल प्राइस पर क्या लगाया फाइनल प्राइस पर मैंने टैक्स लगाया कि सेल टू थाउजेंड मल्टी टेन परसेंट कितना हो गया दो सौ रुपए अभी समझना तो ये समझना कि मुझे जो टैक्स चाहिए था जीएसटी कौन सा टैक्स है जीएसटी का पहला कॉन्सेप्ट है कि जीएसटी इज अ वैल्यू एडेड टैक्स आई रिपीट अगेन जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है आपने परचेज़ किया कितने में हज़ार रुपये में आपने सेल किया कितने में दो हज़ार रुपये में वॉट इज़ द वैल्यू एडिशन तो हम बोलते हैं सर वैल्यू है एडिशन हमारा कितना सर वैल्यू एडिशन है हमारा रुपी

तो मैं बोलता हूं कि सेल वैल्यू पर कितना टैक्स आया माइनस कर देता हूं मैं परचेज वैल्यू का टैक्स ये जो अमाउंट है उसे हम बोलते हैं जीएसटी पेबल ठीक तो हंड्रेड जो डिफरेंस आया दो सौ माइनस सो ही आपको पे करना है और जो शुरुआत के सौ रुपए है इसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट क्या कर रही है अल्टीमेटली हमारी गवर्नमेंट आपसे सिर्फ वैल्यू एडिशन के ऊपर ही क्या कर रही है हमारी गवर्नमेंट वैल्यू एडिशन के ऊपर ही टैक्स अमाउंट चार्ज कर अगला पॉइंट बर्डन ऑफ टैक्स टैक्स देने की अल्टीमेट लाइबिलिटी किसके पास है हु इज फॉर द टैक्स द आंसर इज बर्डन ऑफ टैक्स इज ऑन द फाइनल कंज्यूमर जो भी हमारा फाइनल कंज्यूमर होगा लाइबल फॉर टैक्स अल्टीमेटली पैसा किसकी पॉकेट से जाएगा वो अल्टीमेट कंज्यूमर ही जाएगा ये फाइनल हमेशा मान के चलना कि यही चलनाप्ट आपको हमेशा फॉलो करना है आगे समझिएगा अब जो GST की जो जीएसटी की चेन है वो कंटिन्यूस बेसिस पर मैंने क्या समझाया था मैंने कहा था कि सर पुराने एक्ट में बहुत सारी दिक्कत क्या दिक्कत थी पुराने एक्ट में पुराने एक्ट के अंदर सबसे बड़ी जो प्रॉब्लम सबसे बड़ी जो परेशानी थी वो था कास्केडिंग इफेक्ट ऑफ ड्यूटी ड्यूटी के ऊपर ड्यूटी लगाना टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना रिपीट अगेन ड्यूटी के ऊपर ड्यूटी लगाना टैक्स के ऊपर टैक्स लगाना कैसे कैसे लगाया जाता था ड्यूटी के ऊपर ड्यूटी या टैक्स के ऊपर टैक्स कैसे चार्ज किया जाता था उसका रीजन उसका पॉइंट उसका कॉन्सेप्ट समझ उसका कॉन्सेप्ट ये था कि जब पहले गुड्स मैन्युफैक्चर होगा तो उसके ऊपर एक्साइज ड्यूटी लगेगी फिर जब सेल होने जाएगा तो उसके ऊपर वेट लगेगा अब पहले आप एक्साइज ड्यूटी लगा चुके हो अब वेट लगने वाला है एक्साइज का अमाउंट जुड़ करके उसके ऊपर क्या लगता था वेट लगता फिर मान लो वो कोई जो है वो सर्विस प्रोवाइडर परचेज कर लेता है अगर सर्विस प्रोवाइडर ने वो गुड्स परचेज कर लिया और उसको सर्विसेज में कंज्यूम कर लिया तो उसको जुड़ करके उसके ऊपर क्या लगेगा सर्विस टैक्स लगेगा और इन तीनों का आपस में कोई सामान बैठ रहा क्योंकि एक्साइज सेंट्रल एक्साइज सेंट्रल गवर्नमेंट को देकर क्या हो वेट स्टेट गवर्नमेंट को दिया हो सर्विस टैक्स सेंट्रल गवर्नमेंट को दे रहे हो आपस में तो 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 टैक्स कहां चला जाएगा टैक्स का अल्टीमेट बर्डन क्या हो रहा था कंज्यूमर पर है लेकिन टैक्स के ऊपर टैक्स लगा जा रहा जीएसटी ने आने के बाद उस पूरे प्रोसेस को उस पूरी कार्यवाही को क्या कर दिया सिमिलिट्री लेकर क्या गए सिमिट्री में बिठा दिया कि पूरे इंडिया में आप कहीं से भी गुड्स परचेज पूरे इंडिया में आप कहीं से भी गुड्स परचेज करो और पूरे इंडिया में आप कहीं पर भी सर्विसेज दो गुड्स परचेज करना या सर्विसेज देना बोथ आर कवर्ड इन द चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट इसमें कवर है चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट में कवर है जी एस टी ऑफर कॉम्प्रिहेंसिव एंड कंटीन्यूअस चेन ऑफ टैक्स क्रेडिट फ्रॉम प्रोसीजर पॉइंट ऑफ सर्विस प्रोवाइडर पॉइंट टू द रिटेलर लेवल और कंज्यूमर लेवल देयर बाय टैक्सिंग ओनली द वैल्यू एडेड एट ईच स्टेज ऑफ सप्लाई चेन सप्लाई स्टेज की सप्लाई स्टेज के हर पॉइंट पर सप्लाई स्टेज के हर पॉइंट के ऊपर क्या लग जाती थी के ऊपर आपको क्या मिलती जाएगी क्रेडिट मिलती जाएगी कहीं पर भी हम आपका डबल टैक्सेशन नहीं कहीं पर भी हम आपका डबल टैक्सेशन फॉर एग्जाम्पल हमने मैन्युफैक्चरर से गुड परचेस किया मान लो मैनुफेक्चर ने कोई रॉ मेटीरियर परचेज किया हम मैनुफैक्चर मान लो हमने मैनुफेक्चर ने कोई रॉ मेटेरियल परचेस किया हजार रुपए उसके ऊपर टैक्स आ रहा है कितना टेन परसेंट सौ रुपए हुआ उसके ऊपर उसने अदर एक्सपेंडिचर किया हजार रुपए प्रॉफिट जोड़ा सौ रुपए सौ में बेच दिया बेचा कितने में में बेचा इक्कीसो पर एक बार टैक्स लगाएंगे इक्कीसो का दस परसेंट मान लो होता है दो सौ दस अभी क्या करेगा वो बोलेगा सर दो सौ दस रुपए चुकाने आ रहा हूं सौ रुपए मैंने पहले ही चुका दिया था तो अभी कितना चुकाऊंगा सिर्फ एक सौ दस रूपये कौन बोलेगा ये मैनुफेक्चर बोलेगा मान लो बढ़ते हैं मैनुफैक्चर से गुड खरीदता है गुड्स खरीदता है होलसेलर होलसेल ने कितने में खरीदा इक्कीस सौ में कितना टैक्स दिया टेन परसेंट कितना हो गया दो सौ वो क्या बोलेगा वो बोलेगा इक्कीस सौ का गुड्स खरीदा है प्लस हजार रुपए प्रॉफिट जोड़ा मान लो इकतीस सौ में सेल किया वो क्या बोलेगा सेल प्राइस इकतीस सौ टेन परसेंट टैक्स कितना हो गया तीन सौ दस दो सौ दस में पहले ही दे चुका हूँ अभी कितना दूंगा वो बोलेगा सर अभी तो मैं सौ दूंगा एक्स्ट्रा वाला ही टैक्स दूंगा उसके बना वाला टैक्स दूंगा क्या वो जो मैंने दो सौ दस रुपए जो पहले दे दिया था क्या नाम दिया उसको हम नाम देते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट क्या नाम देते है? उसको हैं उसको हम बोलते हैं इनपुट टैक्स क्रेडिट कितना सौ रुपए अभी देखना होलसेलर से कौन खरीदता है होलसेलर से खरीदता है रिटेलर वो खरीदेगा इकतीस सौ रुपये में कितने में खरीदेगा वो खरीदेगा आपका इकतीस सौ रुपए में इकतीस सौ में बोलेगा सर इकतीस में तीन सौ दस टैक्स इकतीस सौ रुपए और तीन सौ दस रुपये मेरा टैक्स है मान लो उसने भी अपना प्रॉफिट जोड़ा हजार रुपए वो बेचेगा इकतालीस सौ में फोर्टी वन हंड्रेड में फोर्टी वन पर वो भी टैक्स लगेगा टेन परसेंट कितना चार सौ अल्टीमेट कंज्यूमर से कितना लेगा चार हजार एक सौ गुड्स का चार सौ दस रुपए टैक्स का अल्टीमेट कंज्यूमर चार सौ दस रुपये पूरा जा करके गवर्नमेंट को नहीं देगा क्या बोलेगा तीन सौ दस रुपये तो मैं पहले ही सॉरी यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक होगी वो क्या बोलेगा वो बोलेगा कि सर चार सौ दस में से तीन सौ दस तो मैं पहले ही दे चुका हूँ अब मैं अल्टीमेटली कितना दूंगा अब वो अल्टीमेटली हंड्रेड रुपीज का ही पेमेंट का। करेगा पेमेंट करेगा अल्टीमेटली वो हंड्रेड रुपीज का ही अब समझना चाहे मैन्युफैक्चरर हो चाहे होलसेलर हो चाहे रिटेलर हो चाहे हमारे यहाँ पर बीच में सर्विस प्रोवाइडर भी आ जाता कोई सा भी पर्सन किसी भी लेवल पर किसी भी कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाता लेकिन उसको क्या मिल जाती उसको टैक्स की क्रेडिट मिल जाती क्या मिल जाती उसको टैक्स की क्रेडिट मिल जाती उसको क्या मिल जाती उसको टैक्स की क्रेडिट मिल जाती इस वजह से ये कास्केडिंग इफेक्ट को क्या कर देती है ये कास्केडिंग इफेक्ट को रिड्यूस कर देती है ये कास्केडिंग इफेक्ट को क्या कर देती है कम कर देती है चलिए। क्वेश्चन आता है व्हाई देर इज नीड ऑफ जीएसटी सबसे पहला पुराना जो एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम था उस एग्जिस्टिंग टैक्स सिस्टम के अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम्स। ठीक है पहला सेवरल लोकल टैक्सेस को हमने इंक्लूड नहीं किया था जैसे कि लग्जरी टैक्स एंटरटेनमेंट टैक्स के इनको हमने इंक्लूड नहीं किया था तो अब जीएसटी में मैं क्या कर दिया सबको इंक्लूड कर दिया डबल टैक्सेशन हो रहा था एक ही चीज़ के ऊपर बार बार टैक्स लग रहा था मैन्यूफैक्चर हो रहा है एक्साइज लग रही है फिर जुड़ करके वेट लग रहा है कि सर्विस बर्डन ले रहे तो वो लग रहा है लग्जरी टैक्स लग रहा है और क्रेडिट नहीं मिल पा रही थी सीमलेस फ्लो नहीं हो पा रहा था पूरी इकोनॉमी में वो आराम से घूम नहीं पा रहा था नो सेंड आफ्टर मैन्युफैक्चरिंग स्टेज वही तो बताया था ड्यूटी चार्ज हो रही है लेकिन बार-बार क्रेडिट अलाउड नहीं हो रही है नॉन इंटीग्रेशन ऑफ़ एंड सर्विस सर्विस टैक्स टैक्स वगैरह आपस आपस में हमें क्या इंट्रोड्यूस करना पड़ गया इस वजह से वी है अब इसके और भी बहुत सारे रीजनज हैं हम वो डिटेल में नहीं जा रहे क्योंकि ऑब्जेक्टिव पैटर्न के ऊपर इतना हमारे लिए सफिशेंट रहता है इतने सारे कॉन्सेप्ट को हम समझ लें कई सारे जो हमारे पास कॉन्सेप्ट्स हैं वो हम समझ लें और कॉन्सेप्ट के बेसिस पर जो क्वेश्चन आते हैं उन सारे क्वेश्चन की हम सॉल्व कर लें तो इस तरह से हमारी कुछ जर्नी रहने वाली है दो महीने मार्च के अंदर हम आपका पूरा कंप्लीट कोर्स करा देंगे क्या हमने बेसिक कॉन्सेप्ट कंप्लीट कर लिया कई तो सारे हमसे यूज़ कर लिए जब अगर आप प्रीमियम प्लान के अंदर ऐप से परचेज़ कर दें ऐप का जो लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उस डिस्क्रिप्शन बॉक, बॉक्स के ऊपर आप लिंक पर क्लिक कीजिए जैसे आप लिंक करते हैं आप पहुँच जाएंगे आर पी एस सड्डा की एप्लीकेशन के ऊपर उस एप्लीकेशन के अंदर जाकर के आपको कुछ नहीं करना है एप्लीकेशन पर आपको परचेज़ करना है परचेज़ वाले बटन पर क्लिक करना है परचेज़ करने के बाद आप उस सेक्शन के अंदर उसके अंदर हो जाएंगे क्वेश्चन के अंदर जैसे ही आप इनरॉल होते हैं आपके जो सारे प्रीमियम जो ऑप्शन है वो ओपन हो जाएंगे फिर जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें ए बी एस टीड या ई एफ एम जो भी आप सेलेक्ट करना चाहें वो कर सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मिनिमम बहुत ही कम रेट पर ये आपको अवेलेबल है इट्स अवेलेबल ओनली फॉर रुपीज़ थाउजेंड पंद्रह हज़ार रुपये में अभी आपको कोर्स पूरा प्रोवाइड कर रहे हैं असिस्टेंट प्रोफेसर के जर्नी को ठीक है न जर्नी में जो भी प्रॉब्लम्स आती है उन प्रॉब्लम्स को दूर किया जाएगा कई सारे एम सी प्रोवाइड किए जाएंगे जाएँ प्रोवाइड किए जाएंगे और हमारी पूरी एक बहुत बड़ी टीम कई सारे असिस्टेंट प्रोफेसर लगे हुए हैं कई सारे चार्ट अकाउंटेंट कमीशन डॉक्टर्स लगे हुए हैं डॉक्टरेट लगे हुए हैं है, और वो आपको आपके असिस्टेंट प्रोफेसर की जर्नी को जर्नी को पूरा करने में आपकी हेल्प ऐसा लगा आपको वीडियो अगर वीडियो लाइक अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए शेयर कीजिए सब्सक्राइब कीजिए और ज़रूर से आर पी एस सी अड्डा के अप्लीकेशन के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर का जो बैच है उसको आप परचेज कीजिए मिलते हैं हमारे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर टिल देन गुड बाय के बाय